पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास ने भारत क्यों छोड़ा, भारत को आधे वर्ल्ड कप में क्यों छोड़कर आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास क्रिकेट वर्ल्ड कप में बतौर प्रेजेंटर अपने फराइज अंजाम देने भारत गई थी, ताहम उन्हें भारत में मुसलसल दबाव का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने हिफाजत इकदाम के तौर पर वापसी का फैसला किया। रिपोर्ट्स में मजीद कहा गया है कि ज़ैनब अब्बास के करीब ज़रा ने तस्दीक की कि वह भारत से दुबई पहुँच चुकी हैं। ज़ैनब अब्बास ने यह कदम अपनी फैमिली और दीगर ब्रॉडकास्टर्स के मशवरे के बाद उठाया। पता यही जा रहा है कि ज़ैनब अब्बास के साथ क्या हुआ था क्या नहीं, सब इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपसे तफ़ीलात शेयर करते हैं कि दोस्तों इंटरनेशनल कौंसल के तर्जुमान ने ज़ैनब अब्बास को डी रिपोर्ट करने की खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि उन्हें डी रिपोर्ट नहीं किया गया, पाकिस्तानी प्रेजेंटर ने ज़ाती वजूहात के बिना पर भारत छोड़ा है। सारी सूरत हाल पर ज़ैनब अब्बास की जानब से अब तक किसी किस्म की कोई तस्दीक नहीं की गई। भारत में एक वकील ने ज़ैनब अब्बास पर भारत मुखालिफाना नोटिस करने का इल्ज़ाम लगाकर मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दे दी थी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो में आप अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।